विश्वर सर्वबृहत गणतंत्र भारतर महापर्व साधारण निर्वाचन आज हेउछि द्वितीय पर्याय देशरे द्वितीय पर्याय निर्वाचन पई चालीछि भोटिंग मोट 13 राज्य ओ केन्द्र शासित अंचल मोट 88 टी सीट पई हेउछि भोटिंग जहां मध्यरे रहिछि केरलर समस्त 20 सीट कर्णाटकर 14 राजस्थानर 13 महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेशर 8 मध्यप्रदेशर 6 आसाम बिहार 5 लेखाएं सीट रे भोटिंग से भली छत्तीसगढ़ एवं पश्चिमबंगर 3 आसन में मतदान हो त्रिपुरा जम्मू काश्मीर एवं मणिपुर गोटे लेखाएं आसन में पड़ भोट प्रकृत द्वितीय पर्यायर 99 आसन में मतदान होगा कथा मात्र मध्यप्रदेश बेतुल बीएसपी प्रार्थी देहांत होठार मतदान मे 7 को घुंचाई दि जाए जो 88 आसन आज भोटिंग सका 7 संध्या 5 जाए चल मतदान केतेक स्थान में संध्या 6 जाए चल भोटिंग सेपटे 88 आसन में 1202 प्रार्थी प्रतिद्वंदिता कर द्वितीय पर्यायर मोट 15 कोटी अधिक भोटर रही जो मान मध्य 8.08 कोटी पुरुष और 7.8 कोटी महिला पखापाखि 34,80,000 नुआ भोटर प्रथम पर्यायर मतदान करेंगे सेबे निर्वाचन को सुरक्षित भाव एवं सुचारू रूपे संपादित करने निर्वाचन कमिशन पक्षर समस्त प्रकार बंदोबस्त कर 67,000 पोलिंग बूथ में निर्वाचन परिचालना 16,00,000 रु अधिक कर्मचारी नियोजित कर 50% बूथ में वेबकास्टिंग व्यवस्था होता बेले 4,100 बूथ में केवल महिला मानक मुतयन कर 640 मतदान केन्द्र में दिव्यांग माने निर्वाचन परिचालना करेंगे। आज के चुनाव के लिए बहुत तैयारियां की हमने, पिछले 2 वर्षों से तैयारियां कर रहे हैं। सारे बूथ पे तैयारी है, उन्हें सजाया धजाया गया है, वहाँ सारी सुविधाएं गर्मी के हिसाब से देखते हुए वोटर्स को मिलेंगी, जिसमें पीने का पानी भी है, शौचालय भी है, शामियाना भी है, पंखा भी है। बस जरूरत है कि वोटर्स को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना है। सभी तैयारियां हैं, पीसफुल मिलेंगी, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। आज सबको मतदान करने जरूर आना है। सुरक्षा की परेशानी को निमटने, पहली बात तो सुरक्षा की समस्या कहीं आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। इतनी तैयारियां हमने की हैं, मतलब बहुत दिन से तैयारियां की हुई हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सारे एसपी, सारी हमारी टीम्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट पुलिस, सब इस बारे में सजग हैं और वोटर्स भी अपने आप में सजग हैं। तो कहीं से कोई भी अभी तक हिंसा की तो बात है ही नहीं। फिर भी हर बूथ पे फोर्सेज उपलब्ध रहेंगी, आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगे। खुल के मतदान करने आए बिना भी किसी चिंता के, बस मतदान के पर्व में भाग जरूर लेना है। जैसे बोलते ना, चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो उस गर्व में शामिल होना है। द्वितीय पर्याय निर्वाचन रे मैदान रे थिबा प्रार्थीक मध्यरे रहिछंती अनेक हेवीवेट। सारा देश रे रहिछि केरलर वायनाड आसन उपरे काहेकिना कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एहि आसनरु प्रतिद्वंदिता करुछंती। राहुल गांधी को विरोध रे सीपीआई रो अरवी राजा एवं बीजेपी रो राज्य सभापति के सुरेंद्रन प्रार्थी होइछंती। सेभली केरलर आउ एक हाई प्रोफाइल आसन हेउछि तिरुवनंतपुरम, जेउठारो केन्द्रमंत्री राजीव चंद्रशेखर वेटरान कांग्रेस मैन शशि थरूर विरोध में मैदान ओल्लाई। केरल अल्पुजा आसन कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल निर्वाचन लड़ुंट। अन्य प्रमुख प्रार्थी मध्य अभिनेत्री राजनेता पलटि हेमा मालिनी मथुरार तृतीय थर पर बीजेपी प्रार्थी होती। मेरठ आसन में बीजेपी रामायण धारावाहिक अभिनेता अरुण गोविल को प्रार्थी कर। छत्तीसगढ़ तीनोटी आसन में भोटिंग होता बेले राजनंदगांव प्रार्थी होती पूर्वतन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राजस्थान केन्द्रमंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जोधपुर, लोकसभा बाचस्पति ओम बिर्ला कोटारू पूर्वतन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुओ वैभव जालरु निर्वाचन लड़ुंट। पश्चिमबंगर बीजेपी सभापति सुकांत मजुमदार बालुरघाट आसन मैदान को ओल्लाई। सेपटे कर्णाटक कथा विचार कले मांडियारु देवगौड़ा पुओ एचडी कुमार स्वामी, बेंगालुरु उत्तर शोभा
करंदलाजे बेंगालुरु दक्षिणरु तेजस्वी सूर्या बेंगालुरु ग्रामीणरु डीके सुरेश का भली बड़ा लीडर निर्वाचन लड़ुछन्ते। I am not too concerned about what they are saying. I am more concerned about what the people of Thiruvananthapuram want for their future, and I am dedicated to serving them and helping in my own way to improve the future, especially since the last 15-20 years there has been very little progress in Thiruvananthapuram and in the lives of many, many people who are suffering from many, many problems that have not been solved for 15-20 years. I request all of you to come out and vote today. This is an important day, not just for democracy, but for the future of Thiruvananthapuram and the future of your own families, your children. It is something that we all must take seriously. Voting is a fundamental duty of every citizen, and I hope everybody comes out and votes for change. ए बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित मनोज महांती दिल्ली रिपोर्टर सीधासलख जोड़ी रही। मनोज, सकाल सतटू मतदान आरंभ होगा कथा वर्तमान आरंभ हो गला? निश्चित भाव आज द्वितीय पर्याय निर्वाचन में मतदान वर्तमान सतटू आरंभ हो देखा तेरती राज्य में 88 आसन आज मतदान हे। विशेषकर देखा उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगार मतदान आरंभ हो गला, जेहेतु खरा समय तेणु वर्तमान मतदान आरंभ हो तेरती राज्य में। विशेषकर उत्तर प्रदेश उपर समस्त नजर रही। उत्तर प्रदेश में 8 आसन में मतदान हो, राजस्थान में 13 आसन में मतदान हो, महाराष्ट्र में 8 आसन में मतदान हो, मध्यप्रदेश में 7 आसन में मतदान हो, छत्तीसगढ़ में 3 आसन में मतदान हो, कर्णाटक में 14 आसन में मतदान हो, केरल 20 आसन में मतदान हो, आसाम 5 आसन में मतदान हो, पश्चिम बंगाल कथा जी कह पश्चिम बंगाल में 3 आसन में मतदान हो, बिहार में 5 आसन में मतदान हो, त्रिपुरा मणिपुर जम्मू काश्मीर ए समस्त आसन गोटे लेखा आसन में मतदान हो। पूर्व जेहेतु 99 आसन में निर्वाचन हम बोली स्थिर होता, किंतु मध्यप्रदेश बेतुल लोकसभा प्रार्थी बहुजन समाज पार्टी लोकसभा प्रार्थी देहांत निर्वाचन स्थगित रही, 88 आसन में निर्वाचित हम से समस्त प्रकार प्रस्तुति सरी समस्त जगार सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कर वर्तमान समय में मतदान शुरू हो। निश्चित भाव विभिन्न अधिकांश जगार वर्तमान समय में मतदान आरंभ हो, जेहेतु ये द्वितीय पर्याय प्रार्थी अनेक हेवीवेट निर्वाचन लड़ुंट कांग्रेस राहुल गांधी कथा कहतु, बीजेपी अनेक हेवीवेट निर्वाचन लड़ुंट, अनेक केन्द्र मंत्री ये निर्वाचन लड़ुंट, तेणु निश्चित ना कौटी द्वितीय पर्याय निर्वाचन निश्चित भाव एक गुरुत्वपूर्ण निर्वाचन रही। 88 आसन रु जदि आप पूर्व थर कंपेयर करेंगे 50 रु अधिक आसन एनडीए जीति 20 रु अधिक आसन यूपीए जीति, तेणु निश्चित भाव द्वितीय पर्याय आसन कौट ना कौटि ये तो ओवरऑल जो निर्वाचन हम ताकू एक गुरुत्वपूर्ण संदेश देव जे भोटिंग केते प्रतिशत हे मतदान वर्तमान समय प्रतिशत भोटिंग भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।